नमस्कार, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं पीएम ई विद्या चैनल्स। हम लेकर हाजिर है कक्षा दसवीं का मैथमेटिक्स का सेशन लेकर, एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पार्ट टू। वी हैव ऑलरेडी लर्न पार्ट वन। वी हैव आर गेस्ट मिस सविता ग्राहक फ्रॉम कुरुक्षेत्र। शी इज अ टीचर इन गीता निकेतन आवासीय विद्यालय। सविता जी, गुड आफ्टरनून एंड अ वेरी वार्म वेलकम। जी, गुड आफ्टरनून राहुल जी और हमारे सभी प्यारे विद्यार्थियों को भी। बिल्कुल, बहुत, और बहुत 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 वापस वेलकम। हाँ, मैं ये इसी बात पर आने वाला था क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि जब हम ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया था हमने, तो ये अक्सर हमारा चर्चा का विषय रहता था और मुझे भी ये जानकर खुशी होगी। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपने विद्यालय जाना शुरू कर दिया है। जी बिल्कुल, विद्यालय जाना शुरू कर दिया है एंड आई एम हैप्पी टू शेयर कि मेरे विद्यालय में 90% से ज्यादा स्टूडेंट्स प्रेजेंट रहते हैं। तो उनका जो प्रेजेंट रहने का जो तरीका अपनाया गया है वो अल्टरनेटिव है ताकि ज्यादा भीड़ ना हो और कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जा सके। किस तरह से कर रहे हैं आप लोग? जी राहुल जी, जैसे कि मेरे विद्यालय के नाम से क्लियर है, इट इज गीता निकेतन आवासीय विद्यालय। जी, रेजिडेंशियल है जी। तो बोर्डिंग स्कूल भी है और डे बोर्डिंग भी है। तो डे बोर्डिंग में जो स्टूडेंट्स है, ऑफ कोर्स वो एक अलग ही विंग चलता है डे स्कूल के नाम से, और वहाँ पर अल्टरनेट डेज के अकॉर्डिंग ही स्टूडेंट्स आ रहे हैं। वन टू वन, वन टेबल पर वन स्टूडेंट होगा, सीट्स फिक्स हैं, ये सब रहता है। बट बोर्डिंग में थोड़ा सा अलग तरह के पॉइंट्स रहते हैं। वहाँ पर टोटली स्टूडेंट्स जो आ चुके हैं वो रेगुलर अपनी क्लासेस लगाते हैं। हाँ, मान लीजिए कोई बच्चे को अभी लगता है कि इतने सारे स्टूडेंट्स चले गए, मैं भी चला जाता हूँ स्कूल, मुझे भी ऑनलाइन क्लास ना लगाकर ऑफलाइन क्लास लेनी चाहिए, तो ऐसे स्टूडेंट्स का 4 to 5 days का एक क्वारंटाइन सेशन जरूर रहता है, क्वारंटाइन पीरियड रहता है। आफ्टर दैट वो बाकी सभी स्टूडेंट्स को ज्वाइन कर। चलिए, बहुत अच्छी बात है और मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपके चेहरे पर खुशहाली दिखाई दे रही है स्कूल खुलने से, जैसे जो किसान को अपने खेतों में फसल लहलहाती दिखाई देती है। एक और प्रश्न पूछूंगा, उसके बाद हम मैथमेटिक्स की बात करेंगे क्योंकि समय हम ना जाया ना करें। जब बच्चों से आप मिली, मुखातिब हुई एक बहुत लंबे अरसे के बाद, अंतराल के बाद, तो क्या फर्क महसूस हुआ आपको? राहुल जी, जो आपने क्वेश्चन पूछा है ना, मैं अगर आपको सच बताऊं, इसका आंसर दे पाना इतना आसान नहीं है जी। क्योंकि जो फीलिंग्स उस टाइम थी, जो भावनाएं उस टाइम उनको देखकर, या मैं जैसे अभी बात कर रही हूँ कि बोर्डिंग स्कूल में वहां तो अभी वंदना भी हम बच्चों की करवाते हैं इकट्ठी, तो वो जब हम वापस, वो हॉल हमारा माधव विशाल कक्ष के नाम से है, वंदना कक्ष के नाम से है जी, भरा हुआ देखते हैं बच्चों का, वो फीलिंग शेयर नहीं की जा सकती। नहीं, वाकई में कुछ ऐसे जज्बात होते हैं जीवन में जिन्हें शब्दों की शक्ल देना बहुत मुश्किल है। चलिए, मैं आपसे और ज़्यादा नहीं पूछूंगा, ना ही मैं आपका और ज़्यादा मुझे लगता है कि इंटरव्यू करना चाहिए। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात करते हैं। लेट्स कम टू दी टॉपिक। हमने पहले भी पार्ट वन पढ़ा है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि एक छोटा सा रिकैप करें और आप फिर शुरू करें ताकि हमारे बच्चे इस सेशन को पढ़ें और अपना ये चैप्टर पूरा करें। जी राहुल जी, बिल्कुल। तो मैं चाहूंगी कि जितने बच्चे अभी घर पर हैं वो हमारे सेशंस भी ध्यान से देखें, समझें, और अगर आप स्कूल जा पा रहे हैं तो आप अपने टीचर्स का भी आशीर्वाद जरूर साथ साथ प्राप्त करें। बिल्कुल। तो हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इट इज पार्ट टू। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे आपने पढ़ा था अबाउट क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स कि कोई भी रियल लाइफ में अगर मैं फील करना चाहता हूँ व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो रियल लाइफ में एनी शेप जो इस तरह का एक यू फ्रेम कर रही है, so that is nothing else than a parabola. इस शेप को हम क्या नेम देंगे? This is the shape of a parabola. And parabola कब बनता है? When the given equation is quadratic. Okay. Here we can see there is a player. और ये player क्या कर रहा है? He is trying to put the ball in the basket. So yes. Again, which parabola. Type of shape it is? Yeah, it is parabola. A parabola. So this is a swing. We can see the people are enjoying here. Ye ek curve hai. This is my favorite various one. Various parabolas are here. Ji. McDonald's bahut jaate the bacche. Abhi corona ke karan thoda sa, of course, gap aaya hai. Ji. So har jagah, choti choti cheezon mein hum different type of spiral, parabolic shape, straight line shape dekh sakte hain. Aur agar baat karte hain mathematically likhne ki, तो मैथमेटिकली हम लिख पाएंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। मीन्स पैराबोला को मैथमेटिकली हम एक इक्वेशन की फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे जहां पर वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री होती है 2। ओके, तो ये हमने अपने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया था दैट व्हाट डू वी मीन बाय द रूट्स।
रूट्स होते हैं एक्स की वो सभी वैल्यूज जिन वैल्यूज के लिए आपके गिवन इक्वेशन कंप्लीटली जीरो बन जाए, और आप बोल सकते हैं एक्स की वो वैल्यूज जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाए. एंड इट इज अ मस्ट हियर कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है डियर स्टूडेंट्स ये जीरो नहीं होना चाहिए, ए शुड नॉट बी जीरो. सो इसके बाद हम बात करते हैं मेथड फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. कि हमें ये तो समझ आ गया कि किसी भी इक्वेशन में विच इज क्वाड्रेटिक देयर कैन बी मैक्सिमम टू रूट्स, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री टू है तो मैक्सिमम रूट्स कितने होंगे, टू. और ये दो रूट्स निकालने के लिए हमारे पास वेरियस मेथड्स रहते हैं. द वेरी फर्स्ट मेथड इज फैक्टराइजेशन मेथड विच वी हैव डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस सेशन, एंड टुडे वी विल डिस्कस मोर अबाउट कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड एंड ऑल्सो अबाउट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. कि किसी भी गिवन इक्वेशन को हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कैसे सॉल्व करेंगे. So before going to these two formulas, let us discuss one more question which we have to solve again by factorization method. Thoda sa different types iske factors banenge. Jaise humne previous session mein discuss kiya, us tarah se aap factorization karoge, kar sakte ho, but that will be lengthier. To hum thoda sa apna mind ko sharp banate hain aur sochte hain ki kis tarah se ise solve kare. Okay. See, this is 16. Kiska square hota hai 16? 4. Yes, it is 4. So we have 4 into x minus 4 square is equal to, or 9 kiska square hai? 3. So we do have in our equation 4 into x minus 4 whole square is equal to 3 into x plus 4 whole square, which can again be rewritten as 4x minus 16 square minus, agar hum is complete quantity ko right side se left side par shift karenge, so it will become 3x plus 12 whole square. Yes. तो अभी हमें जरूरत नहीं है कि हम यहाँ पर कंप्लीट आइडेंटिटी लगाएं a minus b whole square और फिर यहाँ पर कंप्लीट आइडेंटिटी अप्लाई करें a plus b whole square. That will be a lengthy process. What is better over here? Let us go for a square minus b square and it is a plus b into a minus b. और a माइनस भी पहले भी लिख सकते हैं. सो दिस कंप्लीट हैज बीन कंसीडर्ड एज a, दिस इज एज b, सो इट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एंड वी विल राइट इट एज कंप्लीट a माइनस b, दैट मींस माइनस 3x माइनस 12. अब ये ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर माइनस का साइन क्यों आया, क्योंकि कंप्लीट 3x प्लस 12 इस ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो साइंस ऑफ द ब्रैकेट्स जो भी टर्म्स वहां पर हैं ब्रैकेट के अंदर उनके साइन चेंज होंगे. यस, इनटू 4x माइनस 16 प्लस 3x प्लस 12 दिस कंप्लीट इज जीरो. तो क्लियरली हमें फैक्टर्स विजिबल हैं. द फर्स्ट फैक्टर इज x माइनस 28 एंड द सेकंड फैक्टर इज 7x माइनस 4. तो दो चीजों का प्रोडक्ट जब जीरो है तो अंडरस्टूड है या तो उनमें से कोई एक जीरो होगी या फिर वो दोनों ही जीरो होगी. सो यू विल गो फॉर x माइनस 28 इज इक्वल टू जीरो, जिसकी हेल्प से हमारे पास वैल्यू आ रही है x इज इक्वल टू 28. और अगर हम इस ब्रैकेट को जीरो के इक्वल कंसीडर करते हैं, सो 7x माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो, और जिसके कारण आपके पास आ रहा है x इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 7. So this is the easier way to solve this question. Okay. Yeah, now one more question is here. Again the method is factorization method. So let us discuss about it ki kaise karte hain solve factorization method se is question ko hum. Yes. The question is 4x square. व्यूअर्स को ये क्वेश्चन देखने में बहुत टफ लगते हैं कि कहाँ से ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये सब आ गए, इसके फैक्टर्स कैसे करें. लेट मी टेल यू, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं. मोस्टली क्वेश्चंस में आपके फैक्टर्स डायरेक्ट बन जाते हैं जब आप इस ब्रैकेट को ओपन करें, दैट मीन्स माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर एक्स माइनस 2 इंटू बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो. तो आपको क्या करना था, आपको इस तरह के फैक्टर्स बनाने हैं
जिन दोनों फैक्टर्स का सम क्या आ जाए, दिस हमें ध्यान रहना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहां पर s इज रिप्रेजेंटिंग द सम ऑफ द जीरोस या फिर सम ऑफ द रूट्स, और p प्रेजेंट करता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को. तो आपका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए और सम क्या आना चाहिए. द सम मस्ट बी माइनस टू इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड द प्रोडक्ट इट शुड बी द कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर. देखिए अगर एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट 1 है देन इट इज ओके, सिर्फ कॉन्स्टेंट टर्म विल टेक द प्लेस ऑफ प्रोडक्ट. लेकिन अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी कॉन्स्टेंट है तो आपका प्रोडक्ट आना चाहिए 4 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर. तो अब देखो आपने जब ब्रैकेट ओपन किया तो हमें मिल रहा है माइनस टू ए स्क्वायर एंड माइनस टू बी स्क्वायर. अगर आप इन दोनों क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो डायरेक्टली यू हैव माइनस माइनस प्लस, टू टाइम्स टू इज फोर, दस इट इज फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर. यस ओके. नाउ डायरेक्टली और सिंपली हम कॉमन ले सकते हैं फर्स्ट ब्रैकेट से जो भी कॉमन आ पा रहा है. And we can write 2 and x common from this bracket. और हमारे पास bracket के अंदर बचता है 2x minus a. And even I must say 2x minus a square it is. और दूसरी जो हमारे पास दो और terms बचती हैं, इन दोनों terms में से let us see क्या common आ पा रहा है. Let us take the negative sign common. Let us take 2 common and b square. भी कॉमन आ रहा है. बी स्क्वायर इज देयर इन बोथ ऑफ द टर्म्स. तो अंदर क्या बचता है, 2x माइनस ए स्क्वायर. देयर इज अ मिस्टेक. हमने कॉमन लिया 2 को, 2 को तो कॉमन ले ही नहीं पा रहे क्योंकि 2 थर्ड टर्म के साथ है. 2 इज हियर बट 2 इज नॉट देयर विद द फोर्थ टर्म. तो 2 को कॉमन नहीं लेंगे, माइनस बी स्क्वायर कॉमन होगा. और हमारे पास फाइनली फैक्टराइजेशन करने पर 2x माइनस ए स्क्वायर, 2x माइनस ए स्क्वायर. सो इट इज 2x माइनस ए स्क्वायर इंटू 2x माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0. एंड फाइनली द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x आर ए स्क्वायर अपॉन 2 एंड बी स्क्वायर अपॉन 2. दीज टू वैल्यूज आर द पॉसिबल वैल्यूज. So here is one more question and this question I would like to my viewers ke wo note kar lein aur is question ko try zarur kare, solution hamare paas zarur send kare. Iske baad hum aaj ke liye next method which is method of completing the square. This is also an interesting method. Lekin ye method shuru karne se pehle let us see completing the square se aapko samajh aa gaya ki kisi cheez ka square complete karna. And that is a plus b whole square या फिर a माइनस बी होल स्क्वायर आपको डेवलप करना है. तो लेट अस सी क्या हम डेवलप कर रहे हैं x स्क्वायर के साथ. यहाँ कॉफिशियंट a इज रिटन हियर. किसी भी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, दिस इज द फॉर्म ऑफ जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो हम इस जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही ब्रेकअप करेंगे और करेंगे और करेंगे एंड फाइनली वी विल बी एबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. तो क्या करना है इसके लिए, सबसे पहले x स्क्वायर का कोफिशिएंट आप 1 बना दीजिए. ठीक है. 1 कैसे बना पाएंगे, वी विल डिवाइड ईच एंड एवरी टर्म ऑफ दिस इक्वेशन बाय द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. मान लीजिए किसी क्वेश्चन में यहां पर 2 लिखा है तो हर टर्म को किससे डिवाइड करेंगे, 2. सो आपके पास आ गया x स्क्वायर प्लस bx डिवाइडेड बाय a. Undoubtedly, it is equals to 0 because 0 upon a is 0. Next step, आपको क्या करना है, this constant term positive c upon a को left side से right side पर drag करना. So it will become negative c upon yes. So आपके पास आ गया x square plus bx upon a equals to minus c upon a. Next step बहुत important है. See, हमने बोला था कि हम एक बार ये आइडेंटिटी रिकॉल करते हैं. दिस आइडेंटिटी ही इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. तो आप लेफ्ट साइड को अगर ऑब्जर्व करते हैं अपनी गिवन इक्वेशन में, x स्क्वायर इज रिप्रेजेंटिंग a स्क्वायर हियर, दिस bx अपॉन a इज रिप्रेजेंटिंग 2ab. तो आपको ऐड करना है कहीं से b स्क्वायर को.
और वो कैसे हो पाएगा? सी दिस टर्म केयरफुली, दिस इज 2AB. तो 2AB को अगर हम डिवाइड कर देते हैं किससे? 2 से, तो हमारे पास बचता है a इंटू बी, जिसमें से a है आपकी फर्स्ट टर्म, a प्लस बी होल स्क्वायर ये था, और यहाँ जो बच जाएगा दैट विल बी द सेकेंड टर्म. आप ये कंफ्यूज मत होना सोचकर कि यहाँ स्क्वायर था, b का आप स्क्वायर करते हो, दिस इज b इन साइड द ब्रैकेट. सो अभी भी हम b स्क्वायर करेंगे. क्या करना है? x के साथ जो भी कॉफिशियंट है, जैसे मैंने यहाँ पर बात की कि a के साथ जो भी कॉफिशियंट है, 2ab को हम रीराइट कर रहे हैं 2b इंटू a. तो a के साथ आपका जो भी कॉफिशियंट है उसे 2 से डिवाइड करने पर जो वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर कर देना है, दैट विल बिकम b स्क्वायर. तो x का जो कॉफिशियंट है दिस इज b अपॉन a. फर्स्ट स्टेप इसे 2 से डिवाइड करना है एंड सेकेंड स्टेप उसका स्क्वायर करना है, और वो हमें लेफ्ट साइड पर ऐड कर देना है ताकि कंप्लीटिंग द स्क्वायर का प्रोसीजर जो है वो खत्म हो जाए. बट हम किसी भी, ये मैथमेटिक्स है, कहीं पर भी उठाकर कुछ भी ऐड कर दिया ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, लॉजिकली चलती हैं सब चीजें. तो जो क्वांटिटी आपने लेफ्ट साइड पर ऐड की है द सेम क्वांटिटी मस्ट बी एडेड टू द राइट हैंड साइड टू बैलेंस इट. तो अभी बैलेंसिंग हो गई, वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस b upon 2 whole square, this is forming 2a. And because of this, a plus b whole square की identity यहाँ पर apply हम कर पा रहे हैं, so we will write it as x plus b upon 2a whole square is equal to minus c upon a plus b square divided by 4a square. एंड अभी लेफ्ट साइड तो देखिए कंप्लीटिंग द स्क्वायर हो गया, थोड़ा सा बस राइट हैंड साइड जितना हम सॉल्व कर पाते हैं, लेट अस डू दिस. 4a स्क्वायर कैन बी टेकन एज एलसीएम, एलसीएम ले लेंगे. c का डिनोमिनेटर a ऑलरेडी था तो इट विल बिकम नेगेटिव 4ac पॉजिटिव b स्क्वायर. सो व्हाट डू वी हैव नाउ विद अस? वी हैव x प्लस b अपॉन 2a. स्क्वायर को भी हम लेफ्ट साइड से राइट साइड पर पहुंचा रहे हैं. आपको पता है जब भी हम स्क्वायर को दूसरी साइड पर शिफ्ट करने की बात करते हैं या हम बैलेंस करते हैं दोनों साइड्स को, सो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइन अपीयर होंगे, और अंडर रूट के नीचे दिस वैल्यू हैज टू बी रिटन बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर. तो फाइनली आपके पास जो आ रहा है, व्हाट दिस वैल्यू इज, लेट अस रीराइट इट, और फाइनली लेट अस रीराइट द वैल्यू ऑफ x. So x is equal to minus b upon 2a. b upon 2a को हमने left side से right side पर जब shift किया, so it will become negative under root of b square minus 4ac. और अगर denominator को observe करते हैं तो it is 4a square. 4a square का root क्या होता है? 2a. If 4 का root is 2 और a square का root is a. So final answer we are writing here. What it is, x equals to 2a can be taken as LCM, minus b plus minus under root of b square minus 4ac. तो अगर क्वेश्चन में बोला जाए कि सॉल्व दिस बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, तो कंप्लीटली आपको सॉल्व करना है. और ये जो फाइनल आंसर है, यू विल बी हैप्पी टू नो कि थ्री मेथड्स हमने बात की थी. फैक्टराइजेशन आता है हमें, कंप्लीटिंग द स्क्वायर हमने सीख लिया, और ये जो फाइनल आंसर है दिस इज नथिंग एल्स देन योर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. यानी अगर हमें क्वेश्चन में बोला जाए कि सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो आपको ये कंप्लीट प्रोसीजर करके दिखाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला. जी बिल्कुल, एंड दिस कंप्लीट इज द डेरिवेशन ऑफ आवर फॉर्मूला. चलिए ठीक है, तो मुझे लग रहा है ये अंतिम सवाल होना चाहिए क्योंकि हमारे पास सिर्फ 3 या 3.5 मिनट का समय बचा है आपके लिए. जी बिल्कुल ठीक है, मुझे लग रहा है अभी टाइम है हमारे पास. चलिए ठीक है, अच्छी बात है, फिर और बढ़ा देंगे टाइम ऐसा लग रहा है तो. जी धन्यवाद. द क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इक्वल्स टू 0. एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बनाना है? सबसे पहले 1. Completing the square method से हम solve कर रहे हैं इस question. So we have x square minus 6x
प्लस फोर को राइट साइड पर ड्रैग किया, इट बिकम्स नेगेटिव फोर. नेक्स्ट स्टेप यस कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड. जो प्रोसीजर अभी हमने सीखा हम उसे अभी क्वेश्चन पे अप्लाई कर रहे हैं. तो क्या करना है, बोथ साइड्स इसी चीज का तो स्क्वायर ऐड करना है. बट स्क्वायर किस चीज का ऐड करना है, जो भी वैल्यू जो भी कॉफिशियंट एक्स के साथ है इन आर क्वेश्चन दैट विल हैव टू बी डिवाइडेड बाय टू और उसी का ही स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करना. दैट मीन्स बोथ साइड्स जो है इट विल बी नेगेटिव थ्री स्क्वायर. अब व्यूअर्स हमने यहाँ पर क्वेश्चन में नेगेटिव साइन इसीलिए लिया है कि अगर आप डायरेक्ट a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई कर रहे हैं इन दैट केस आपको यहाँ पर नेगेटिव साइन लेने की जरूरत नहीं है. मीन्स हम यहाँ पर ओनली एंड ओनली x के न्यूमेरिकल कॉफिशियंट को लेकर भी चल सकते हैं. And if you are writing the identity or applying the identity for a plus b whole square, in that case negative sign हमें जरूर mention करना. So three square जब आप both sides add करते हैं, we have x minus three whole square equals to negative four positive nine. And as a result x equals to positive negative root five. And finally the value of x is this. That means यहां से हम इसे rewrite भी कर सकते हैं. One value will be 3 plus root 5 and other value will be 3 minus root 5. These two are the roots of given quadratic equation. Okay. So Rahul जी क्या हम next concept कर सकते हैं शुरू? Yes, yes, we can move ahead. जी. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का अभी हमने डिस्कशन किया कि जब हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करते हुए एक्स की वैल्यू निकालते हैं तो दिस वैल्यू इज नोन एज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इटसेल्फ. तो अभी कुछ एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हमारे पास हैं. लेट अस डिस्कस वन क्वेश्चन. बहुत बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, रियल लाइफ से रिलेटेड है. डियर व्यूअर्स अगर आप इस सेशन को देख रहे हैं तो अभी आप माइंड में एक छोटी सी इमेज और छोटी सी स्टोरी और अपना कोई इंसिडेंट फ्रेम कीजिए. आप अपने घर से अपने दोस्त के घर जा रहे हैं और आपके दोस्त का घर या आपके फ्रेंड का घर आपके घर से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर. यू आर मूविंग एट अ स्पीड लेट मी से ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर. आप किस स्पीड से जा रहे हैं जी? तो क्या हुआ कि somehow कुछ भी स्टॉर्म आंधी बारिश कुछ ऐसा ऐसा आया और अभी आपको वही डिस्टेंस एक आज आपने जाते हुए तो स्पीड से डिस्टेंस कवर किया. अभी आप उसके घर को आपने पार्टी की जो भी किया आपने स्टडी की इकट्ठे और अब आप वापिस आना चाह रहे हैं. जब आप वापिस आने के लिए चले तो बाहर इट इज बारिश है आंधी है तूफान है तो अब आपकी स्पीड जो है वो हो गई कम. ओके इम्पोर्टेंट है इस क्वेश्चन को करने के लिए. क्वेश्चन हम बहुत जल्दी अब डिस्कस कर पाएंगे जी. मतलब हमें समझ आ गया कि जैसे ही हम स्पीड स्लो करेंगे टाइम इंक्रीज हो जाएगा. yes. दोनों के दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल. So we have to cover a distance. Train is covering a distance of 480 kilometer. If the speed had been taken 8 kilometer per hour less, जिस भी स्पीड से हम पहले जा रहे हैं अगर वो स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो जाए कम हो जाए तो इनिशियल स्पीड को हम पहले मान लेते हैं कि वो थी x किलोमीटर पर आवर. ओके. एंड व्हाट इज द न्यू स्पीड? इट इज 8 किलोमीटर पर आवर लेस. कम की है हमने स्पीड. अगर स्पीड कम की तो टाइम क्या हो गया? ज्यादा. और कितने आवर्स ज्यादा हमें क्वेश्चन में गिवन है? 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस. पहले वाला डिस्टेंस हमारा चेंज नहीं हुआ, वो डिस्टेंस उतना ही है, 480 किलोमीटर ही है. सो लेट अस डिस्कस अबाउट द टाइम. हम मान लेते हैं पहले जितना टाइम लग रहा था इस डिस्टेंस को कवर करने में इस स्पीड से उसको हमने मान लिया t1 टाइम 1.
तो ये तो हम सभी को पता है कि टाइम इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, स्पीड, यस, सो इट इज 480 अपॉन एक्स. एक्स एंड व्हाट इज टी टू? डी अपॉन एस टाइम इज 480 अपॉन एक्स माइनस 8. यस राहुल जी, इट इज करेक्ट. ओके तो अब तीसरा क्वेश्चन मेरा वापस आपकी स्टोरी से रिलेटेड है व्यूअर्स. राहुल जी आपने बहुत अच्छे से आंसर दिया. कौन सा टाइम ज्यादा है, स्पीड कम हुई है टी टू के केस में, कौन बिल्कुल सा टाइम ज्यादा है टी टू? टी टू में ही टाइम ज्यादा लगेगा. जी तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, न्यू टाइम माइनस प्रीवियस स्पीड प्रीवियस टाइम. टाइम इक्वल्स टू हाउ मेनी आवर्स? 3 आवर्स. स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, उनको लगता है यहाँ एक्स माइनस एट है ना, तो टाइम भी यही कम कि यहाँ एक्स था, यहाँ एक्स में से कुछ कम हो रहा है. बट डिनोमिनेटर जब भी छोटा होता है तो क्या होता है, एक्चुअल वैल्यू बड़ी हो जाती है. देख लेते हैं इस चीज को भी. आपके पास ये एक सर्कल है, आपने किए सर्कल के 4 पार्ट्स और एक हिस्से को कर दिया शेड, तो इट इज 1/4. और ये एक दूसरा सर्कल है और आपने किए इसके ओनली 2 पार्ट्स और शेड किया उनमें से एक पार्ट को, सो इट इज 1/2. यस अब देख के समझ आ रहा है शेडेड पोर्शन को कि विच पोर्शन इज ग्रेटर, 1/2 ज्यादा है या 1/4 ज्यादा है? 1/2 आई थिंक इज ग्रेटर. 1/3 शुड बी ग्रेटर. यस सर, 1/3 विल बी ग्रेटर देन 1/4, यू आर करेक्ट. And one half will be greater than 1/3. So in the same way, आपके पास जो equation बनती है, it is 480 divided by x minus 8. हमने t2 की value put की है, minus 480 divided by x equals to 3. और इस question को अभी solve करना बहुत आसान है. हमारे viewers तीनों methods सीख चुके हैं. जी. तीनों में से कोई भी method apply करके we can solve the equation और speed of the train हम calculate कर पाएंगे. चलिए तो ये मुझे लग रहा है उनके लिए होमवर्क हुआ आज, क्योंकि अब समय जी. समाप्त हो चुका है बिल्कुल, और मुझे यहाँ पर आपको रोकना होगा. जी चलिए ठीक है. तो ये हम कह सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का ये पार्ट टू था और यहाँ पर ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है. जी बिल्कुल, हम कह सकते हैं एक हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट नेचर ऑफ रूट्स, ये कॉन्सेप्ट रह गया है. एंड दिस इज नेचर ऑफ रूट्स, बी स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट करने पर अगर ये वैल्यू जीरो है तो रूट्स इक्वल होंगे. चलिए तो ये कॉन्सेप्ट वाइज भी आपने कंप्लीट कर दिया है. जी तो मैं चाहूंगी कि हमारे व्यूअर्स ये क्वेश्चन जरूर सॉल्व करें. जी हम स्क्रीन पर देखते हैं ये क्वेश्चन जल्दी से जो अभी आप दिखा रही हैं. ये सभी बच्चे नोट कर लें और इसे आप जब YouTube पर देखेंगे तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं इनको आप ज़रूर सॉल्व करें अपने घर पर और हमें ज़रूर भेजें. हमारा कक्षा 10वीं का जो ईमेल आईडी है वो है dth.class10@cieet.nic.in. सविता जी आप हमारे साथ जुड़ी, आपने ये मैथमेटिक्स का सेशन लिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आभार. जी राहुल जी धन्यवाद. आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद. हमारा ये सेशन यहीं समाप्त होता है, कहीं मत जाइएगा. अगला सेशन लेकर अभी हाजिर होते हैं थोड़ी ही देर में. नमस्कार.